अब तक आपने देखा संतों के नाना जी माधव सोलंकी का सपना टूट जाता है जब महेश शादी पर नहीं पहुंचता। उसी वक्त मालिक धर्मराज वहां पहुंचते हैं, तब सारे वर्कर्स उन पर इल्जाम लगाते हैं। यहाँ सारे कारीगरों को पता चल चुका है कि आप ही ने महेश को भगवाया है। माहौल की गंभीरता को देख कुलगुरु धर्मराज को समझाते हैं, ये शादी कर लो, असंभव है गुरुजी। पर धर्मराज को किसी भी कीमत पर एक नीच जाति की लड़की से शादी मंजूर नहीं है। धर्मराज पिनाकिन से कहते हैं, किसी लड़के को ढूंढ कर लाओ जो माधव सोलंकी की धोत्री से शादी करेगा। पर वर्कर्स साफ मना कर देते हैं। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं तब धर्मराज फैसला करते हैं, जिसके घर ये डोली जाएगी उसका नाम है धर्मराज महियावंशी। संतों की ये समझौता भरी शादी मालिक धर्मराज महियावंशी के साथ हो जाती है। अब आगे बहुत अच्छे, गुड, ओके। मालिक, हमारा सारा माल तैयार हो चुका है। तरस पिनाकिन, करजन कारखाने लेना। ठीक है मालिक। सारा माल आ गया? सब आ गया। चलो ठीक है, बंद। बधाई हो मालिक, हमारा सारा कंसाइनमेंट लोड हो चुका है, बस निकलने की देर है। सरस पिनाकिन, सरस। सूरत फोन करके बता दो कि माल निकल रहा है। मालिक, जल्दबाजी में एकलो माल रही गयो छे। जा मेरी गाड़ी लेकर जा, पहुंचा क्या? वे उबा बुआ, मारू मोड़ो सु जोए छे, जल्दी जा। पाशा भाई जल्दी चलिए। अब क्या हुआ, चलो। संतु, मालकिन, मालकिन, गाड़ी को कुछ जरूरी काम से जाना है, थोड़ी देर तक दफ्तर में बैठ लेंगे आप? दफ्तर में बैठ जाइए। चलो।
जय मां लक्ष्मी, तारी घनी घनी कृपा। जय श्री कृष्ण सोमिल भाई, धर्मराज मायावंशी बोलू छू। सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि मेरे कारखाने से आपका कंसाइनमेंट निकल चुका है, बस आप तक पहुंचता ही होगा। जय श्री कृष्ण। ये परंपरा आज भी मैंने कायम रखी है, जीत और धर्मराज का रिश्ता आज भी कायम है। बेवकूफ हो, बेवकूफ सब। इतनी लापरवाही। सिक्योरिटी वैन कहां है? माल यहां फैक्ट्री में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, लेकिन सिक्योरिटी वैन का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी सिक्योरिटी वैन का पता करो, ठीक है? अभी तक सिक्योरिटी वैन क्यों नहीं पहुंचा? पहुंचे पर नहीं विराट संघवी, पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने तेरे सुरक्षा वाहन वालों के घर पे उनकी पत्नी के लिए हीरो के हार भेंट में भेजे हैं। कितना पैसा खर्चा किया तूने? जगमोहन को खरीदा, महेश को खरीदा, तो मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा पैसा खर्चा करना चाहिए, तो मैंने तेरे ट्रांसपोर्ट वालों को खरीद लिया। चल जवा दे बदी बातों, तू मेरा रिश्तेदार है, मारो साडू भाई, तो सोचा सबसे पहले खुशखबरी तन्ने जापू। विराट, मेरा माल फैक्ट्री से निकल चुका है, बस सूरत डायमंड एसोसिएशन पहुंचता ही होगा। सूत है उपायला, चुप केम छे? शब्द नहीं मिल रहे हैं क्या? विराट अपड़े कहिए ने, गड़गड़ाहट करनार वादड़ो कोई दिवस वरसता नहीं। तू बहुत गरजा लेकिन बरस नहीं पाया। जय श्री कृष्ण साडू भाई। जय जिनेन्द्र। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूं, हुक्म का इक्का अभी भी मेरे पास ही है। बाजी अभी तक खत्म नहीं हुई धर्मराज मायावंशी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मालिक। बोल भाईला बोल। काफी रात हो चुकी है और आपकी पत्नी नाना जी, अरे नाना जी,
चिंता मत कीजिए, मैं ऐसे मटके बनाऊंगी कि मैं धर्मपुर के हर घर में सिर्फ हमारे ही मटके होंगे। आप बस देखते जाइए संतों के हाथ का जादू। कितनी बार कहा है, मावड़ी को ये घास नहीं पाचता, उसके पेट में दुखता है, फिर मुझे बुलाती है और पूरी रात उसके साथ बैठना पड़ता है। नाना जी, उसे हरा नहीं सूखा घास देंगे हम। नाना जी, ये अंशु पल्लव के तोरण जो बहुत अच्छे लगते हैं, इसे चौखट पर हर रोज लगाऊंगी मैं। और हाँ, जब मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊं और आपको मेरी याद आए तो ये अंशु पल्लव को देख लेना, मेरी याद नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो हर वक्त अंशु पल्लव के रूप में इस घर में रहूंगी ना। हे जी अपरम पार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे, अपरम पार प्रभु अवगुण मारा। बेना, संतो बेना घर पहुंच गई होंगी ना? हाँ मूंगी। बेना, संतो बेना के बगैर मन नहीं लगता, चलो उनसे मिलकर आते हैं। अभी अभी तो गई है बेटा वो अपने नए परिवार में, सब लोग उसका स्वागत कर रहे होंगे, उससे बातें कर रहे होंगे, उनका बड़ा हरा भरा परिवार है, उन सबके बीच में घिरी बैठी होगी हमारी संतो। जय श्री कृष्ण मालिक। पिनाकिन जय श्री कृष्ण। बोलो। उत्तम समाचार छे मालिक, सूरत डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन ने हमारा कंसाइनमेंट अप्रूव कर लिया है और साथ में ये सर्टिफिकेट मायावंशी डायमंड वर्क्स को अवार्ड किया है मालिक। पढ़ो सारू पिनाकिन, बहुत अच्छा। पिनाकिन। हाँ मालिक। कारीगरों ने हमें जिताया है, वो हमारे जीत की वजह बने तो हम भी उनके खुशी की नियमित बनेंगे। सबको चार गुना पगार दे दो और बोलो कल से अगले कंसाइनमेंट पे लग जाए। जी अच्छा मालिक। मालिक, काफी रात हो चुकी है। बोल भाईला बोल। राब की पत्नी मेरा मतलब है माधव सोलंकी की दोहित्री इंतजार कर रही है। पिनाकिन,
हाँ मालिक। एक काम कर पिनाकी, उस छोकरी को हमारे सूरत वाले गेस्ट हाउस में छोड़ा हो। सूरत? समझदार को इशारा काफी होता है। जैसे आपका हुक्म माने। अरे संतो, ये यहां पर क्या कर रही है? अरे मैं आ गया मालिक का चमचा चुपचा जगमोहन। भाई गाड़ी निकालो, सूरज जाना है। सांभू आओ, गाड़ी में बैसी जाओ। मालिक को कुछ जरूरी काम आ गया है, वो अभी इस वक्त नहीं आ सकते। उन्होंने मुझसे कहा है कि आपको सूरत वाले घर में छोड़ा हूं। ज्यादा दूर नहीं है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है बस। आ जाओ। अच्छा तो धर्मपुर छोड़ के सूरत वाले गेस्ट हाउस पे ले जा रहे हैं संतो को। ओके। राम राखे तेने कौन चाखे। आइए। आइए, ये मालिक का ही घर है। मालिक ने कहा है कि आप यहीं रहेंगे। वैसे आपको यहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरा मतलब रसोई में सब कुछ मौजूद है और फ्रिज में भी खाने पीने की सारी चीजें भरी हुई हैं। फ्रिज जिसमें खाने पीने की चीजें ठंडी होती हैं, जैसे फल सब्जियां वगैरह। उसके अलावा भी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो सिक्योरिटी से कह देना। अब बहुत रात हो चुकी है, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। नमस्ते।
और फिर क्या गृह प्रवेश होता है नई बहू का? बेना, गृह प्रवेश मतलब क्या होता है? शादी के बाद नई दुल्हन का गृह प्रवेश होता है और चौखट पर ही कुमकुम वाले पैरों के निशानों के साथ साथ चावल वाले लोटे को अंदर की तरफ गिराती है। इसका अर्थ है नई बहू पर आने से परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ेंगे और अंदर ही रहेंगे। ये होता है नई बहू का गृह प्रवेश, समझी? तो ये है साड़ू भाई के घर की नई इज्जत। लेने आया हूं आपको। मैं कोई दिवस न तो विचारू बिना किन कि विराट सांघवी इतना गिर जाएगा। विराट, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुझे जवाब किस तरह से देना है।